बता दें, स्कूल संचालक के 32 वर्षीय पुत्र राजीव यादव को डीसीएम ने रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने डीसीएम चालक को पकड़कर मकान में बंधक बनाकर बहुत बेरहमी से पिटाई की और बाद में मरणासन्न हालत में सड़क पर छोड़ दिया। जब डीसीएम स्वामी को घटना की जानकारी हुई तो उसने मौके पर पहुंचकर घायल चालक को थाना ले गया, जिसके बाद पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत को गंभीर देखते हुए फिरोजाबाद सरकारी ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। ये अभी जो है इनको राजन सिंह सन ऑफ बीरन सिंह लेकर के आए हैं। ये जो है ड्राइवर हैं, इनकी जो है एक्सीडेंट में चोटें लगी हैं। इनके दाहिनी हाथ में जो है काफी गंभीर चोटें हैं, जिसके हमको प्राथमिक उपचार दिया गया है यहाँ पे, उसके उपरांत हमको ले जिला अस्पताल फिरोजाबाद के लिए। इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर ने बताया कि पिटाई के दौरान चालक की एक आंख फूट गई है। डीजी मार्जा न्यूज के लिए फिरोजाबाद से मुकेश गुप्ता की रिपोर्ट।